दर्शकों नमस्कार। खबर कानपुर नगर से, जहां पुलिस प्रशासन है मौन, आखिर पीड़ित की मदद करेगा कौन। थाना फजलगंज क्षेत्र में रहने वाली युवतियों से आए दिन कुछ उपद्रवी करते हैं छेड़छाड़ और मारपीट। युवती के द्वारा थाना फजलगंज में तहरीर देने के बावजूद भी थाना प्रभारी उन उपद्रवियों पर कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। मानो जैसे थाना प्रभारी को सांप सूंघ गया हो। कुछ प्रभात युवतियों का कहना है कि हमारे साथ आए दिन मारपीट, गाली गलौज, छेड़छाड़ करते हैं ये शोध है। युवती ने बताया कि जब हमने इस घटना की तहरीर दी तो थाना प्रभारी ने कार्यवाही करने के बजाय उसे ही डांटने लगे, झूठा ठहरा दिया और कोई भी कार्यवाही नहीं की। थाना फजलगंज आए दिन ऐसी घटनाओं को लेकर चर्चाओं में बना रहता है। यहाँ के भ्रष्ट पुलिसकर्मी कमिश्नरेट शासन का करते हैं मजाक। जहाँ एक तरफ कानपुर नगर में कमिश्नरेट शासन लागू होने के बाद जनता को एहसास हुआ था कि उनकी फरियाद सुनी जाएगी और कार्यवाही भी की जाएगी, लेकिन पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों के कारण कमिश्नरेट शासन बेकार होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा बेटियों की सुरक्षा के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन में कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी योगी सरकार के इन प्रयासों पर पलीता लगा रहे हैं। बेटियों से सरेराह छेड़छाड़ हो रही है, आखिर कब तक बेटियों पर ऐसे अत्याचार होता रहेगा? आखिर पुलिस प्रशासन क्यों मौन रहता है? आखिर नारियों पर अत्याचार करने वालों पर पुलिस क्यों नहीं हो रही है सख्त? अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि थाना फजलगंज युवतियों से छेड़छाड़ करने वालों के प्रति कोई कार्यवाही करेगा या यूं ही मौन बैठा रहेगा? संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट, कानपुर। क्या नाम है आपका? क्या मामला है आपका? किन किन लोगों ने आप लोगों को मारा था? सारे जो वहाँ के जेंट्स हैं, बंटू सरदार है, रवि प्रताप सिंह है और अनमोल है। और क्या इसकी वीडियो वगैरह कोई आपके पास उपलब्ध है? सर, हमारे को सरदार सकती है, लेकिन पुलिस वाले उनको हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। तो फजलगंज थाना प्रभारी से आप मिली थी, इन्होंने क्या बोला? रात में भी आए नहीं कि आप लोग जीवित हैं कि मर गए, एक बार मतलब ये भी पूछने नहीं आए कि फिर क्या हुआ है आप लोगों के साथ। फजलगंज थाने से आपको कोई भी मदद नहीं मिली? नहीं सर, हमें कोई मदद नहीं मिली फजलगंज थाने से। ये बताइए बेटा, जब थाने पे आप लोग वीडियो लेके आए थे तो क्या पुलिस वालों ने वीडियो देखा नहीं था? सर, वीडियो दिखाया था, वीडियो देखा था, देखने के बाद पुलिस ने डिलीट कर दिया वो वीडियो, रूबी कुमारी ने वीडियो डिलीट कर दिया और बल्कि हम लोगों को डांटा और डांटने के बाद कहने लगे अगर आप लोग शांत नहीं रहेंगे तो आप लोगों का करियर हम लोग बर्बाद हो जाएगा, रिपोर्ट लिखेंगे। और जिन लोगों ने मारा, क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमा है? उनके मुकदमे थे और इन्होंने एक दिन पहले मुझे अकेले मारा था, तब हमने रिपोर्ट करी थी, उन्होंने कोई देखा भी नहीं गया कि मेरे चोट लगी कि नहीं। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।